अस्सलामुअलैकुम। तो भाई सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने लास्ट ब्लॉग की, जो कि अ ट्रिप टू मरी के नाम से मैंने रिसेंटली अपलोड किया है। उसमें हुआ कुछ मेरे साथ इस तरह कि 5 बजे मैं घर पहुंचा, आके मैंने पानी तक नहीं पिया, एडिटिंग शुरू कर दी कि जल्दी जल्दी अपलोड करूं। वो क्रेज़ होता है ना कि जल्दी अपलोड करूँ। तो 7:30 तक वो मैंने एडिटिंग की। उसके एडिटिंग करने के बाद उसको सेविंग पे लगा के मैंने पानी शानी पिया और बाहर घर वालों को जाके बताया कि आज मेरा ट्रिप कैसा रहा और कारगुजारी सुनाई। जब वापस मैं रूम के अंदर आया और आके देखा कि एरर आ चुका है, वीडियो सेव नहीं हो सकती, मोबाइल में स्पेस नहीं थी, तो मैंने कहा तो चलो कुछ डिलीट करने के बाद दोबारा सेविंग पर लगाते। स्पेस बनाई और दोबारा सॉफ्टवेयर खोला तो आगे सब ब्लैंक, मतलब कुछ काम था ही नहीं, सब कुछ न्यू। तो भाई बड़ा दुख हुआ। दोबारा मैंने 2 घंटे लगाए और वो काम किया। तो भी कहते हुए भी दुख फील होता है, जबकि वीडियो तो अपलोड हो गई सक्सेसफुली, लेकिन एक बात, उस बात का जिक्र करते हुए दोबारा दुख फील हो रहा है। तो कहने का मकसद यह है कि जब इंसान मेहनत करता है ना किसी काम में, तो वो मसला करे तो बड़ा दुख होता है। तो भाई आज की स्टोरी ये है कि आज बहुत टाइम के बाद मुझे जाना हो रहा है स्पोर्ट्स के लिए, कुछ डंबल्स लेने हैं और फुटबॉल का ही प्लान है। तो सोचा अकेला जाने से बेहतर है कि आप लोगों को भी साथ लेता चलूं। तभी बस निकलने में देर इतनी है कि दोस्त का टेक्स्ट आएगा और मैं निकलूंगा। तो जब तक दोस्त का टेक्स्ट आता है तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी पेपर की तैयारी कर ली जाए। तो अभी बस वेट है दोस्त के टेक्स्ट का। तो लेट्स सी कितना इंतज़ार कराते हैं हमारे जुरेज भाई हमें। तो भाई मेरा तो ख्याल है जुरेज ने हमें बहुत सा इंतज़ार कराना है, थोड़ा नहीं। तो पढ़ाई जो करनी थी कर ली, अब मुझसे ना ज़्यादा देर पढ़ा नहीं जाता भाई, मसला है। तो उसके इंतज़ार में मेरा दिल है कि फीफा खेल लूँ थोड़ी, वो भी अपने उस्ताद जी सिराज राजपूत के साथ। सिराज भाई से हाय। तो अब इनके साथ होगी फीफा की गेम, तो जब आएगा जुरेज तो हम चलेंगे। तो भाई तब तक मैं तसल्ली से ज़रा गेम खेल लूँ, क्योंकि इनसे तो मैंने हारना ही है, उम्मीद यही है। लेकिन एक आस के साथ खेल रहा हूँ कि शायद आज मेरी किस्मत हो और आज मैं जीत जाऊँ। तो भाई जब तक जुरेज का मैसेज आता है तब तक मैं तसल्ली से गेम खेल लूँ, उसके मैसेज का वेट करेंगे। यार ये बार्सिलोना वाले ने ना रेफरी खरीद रहे होते हैं। ऑफ साइड पे मेरे साथ गोल किया है इन्होंने, ऑफ साइड पे गोल किया है। मैं नहीं कह रहा सिराज आपके साथ, मैं नहीं खेल रहा यार, मैं जा रहा हूँ, मुझे वैसे भी देर हो रही है। गेम तो वो थी जो मैं सिराज भाई से बुरी तरह हार गया, और अब जैसा कि मुझे जुरेज का इंतज़ार, तो मेरे ख्याल में मुझे सिर्फ बैठ के अब पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि पेपर भी करीब है और पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो जब तक आता है जुरेज का मैसेज तो मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर लूँ, तब तक के लिए बस वेट वेट और जुरेज का वेट। जुरेज का मुझे मैसेज आ गया और अब मैं जा रहा हूँ नीचे शूज़ पहनने, और स्टॉप पे मेरा वो वेट कर रहा है। तो जुरेज भाई से भी अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो देखिए हमारे जुरेज भाई, स्टॉप पे जाके मैं कराता हूँ जुरेज भाई से आपकी मुलाकात। कार जुरेज भाई हमें मिल ही गए, अब इनके साथ चलना है हमने राजा बाज़ार। तो बाकी रास्ते में बातें की जाएंगी। अब मैं जुरेज भाई से थोड़ी हेलो हाय कर लूं, बड़े टाइम के बाद इनसे मिल रहा हूं, तो हमें चलना चाहिए।
अंदर स्पोर्ट्स गली में इस दुकान में आ गए। तो अब यहाँ हम लोगों ने फुटबॉल लेना है एक इस दुकान से। तो ये दुकान टोटल स्पोर्ट्स सीन, तो अभी फुटबॉल पसंद करते हैं तो देखते हैं। तो ये भाईजान सेल्समैन आ गए, इनसे पूछते हैं अब क्या सीन है इधर इस दुकान का। के साथ बॉल ले ली तो मैं बाइक लेके आता हूँ। तो यार इस बाज़ार का सबसे मज़े की चीज़ इस बाज़ार की ये है ना, कोई चीज़ भी लेने निकलो वो शायद ना मिले लेकिन उससे अच्छी चीज़ ज़रूर मिल जाती है। जैसे हम यहाँ पे लेने निकले थे नॉर्मल फुटबॉल, यहाँ पे हमें ओरिजिनल ब्राजुका मिल गया। तो अब बाकी बातें घर जाके होंगी, तो खुदा हाफिज़। आज का व्लॉग यहाँ पे कम्प्लीट, क्योंकि हमारा जो मिशन था फुटबॉल ख़रीदना था स्पोर्ट्स गली से, वो हमने ख़रीद लिया और इधर आने से पहले ही रस्ते में जुरेस के घर फुटबॉल छोड़ दिया। और रस्ते में ही तो मिनहाल का मैसेज आया था कि यार इधर मेरी तरफ़ आ जाओ, और इसने बुलाया था, कोई बात भी थी और खाना पीना भी इसकी तरफ से था। तो हम अभी इसकी तरफ आ गए। ये मिनहाल, मिनहाल, ये मिनहाल, और इसके साथ जुरेस खड़ा हुआ। अभी हम लोग इस तरफ हैं मिनहाल की तरफ। और मैंने अभी डेली व्लॉग डेली व्लॉगिंग शुरू कर दी। डेली तो खैर नहीं, जब मुझे मौका मिलता रहेगा। जैसे मैंने परसों एक व्लॉग बनाया था और आज मुझे मौका मिला, आज मैंने व्लॉग बना दिया, छुट्टी का दिन था। तो अब उम्मीद यही है कि मैं एक्टिव रहूँगा और अपने व्लॉग्स बनाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। तो